हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट सर्वाइवल। हाँ गाइस, ये मेरा सर्वाइवल वर्ल्ड है। ऐसे तो मेरे चैनल पे सिर्फ शॉर्ट सी वीडियो आती थी माइनक्राफ्ट की, पर अभी से मैं लॉन्ग वीडियो भी बनाऊंगा। और मेरा ये सर्वाइवल वर्ल्ड है फुल, बड़ी मेहनत लगी थी इसे करने में। ये देखो नेदरराइट, ये सीक्रेट बेस का, इधर जाना ही नहीं है भाई। मैंने पूरा मूड ख़राब हो जाता है यार इधर आके। अभी से निकलूँगा कैसे, रॉकेट का यूज़ करके गाइस। सो गाइस, अभी मैं बाहर आ गया हूँ। तो अभी आज की इस वीडियो में हम क्या बनाए, आज की इस वीडियो में हम, चलो मैं आपको अपना वर्ल्ड का टूर दूंगा। इधर से नीचे है मेरा एक सीक्रेट बेस, तो चलो अभी इधर से चलते हैं ऊपर। सामान मैं अपना वर्ल्ड भी एक्सप्लोर कराऊँगा आज आपको। अब बारिश हो रही है यार गाइज। ये देखो, मैंने एक गोल्डन टेम ये भी बनाया था, मैंशन फुल। तो अभी चलो इसके अंदर ही चल के सो जाते हैं आज की रात। रात तो अभी हुई नहीं है ना, दिन नहीं है, चलो फिर भी सो ही जाते हैं। थंडर स्टॉर्म हो रही है बाहर। सो गाइज, अभी गोल्डन इंचेंटेड एप्पल तो मैं खाने में खाता हूँ। और आप बोलोगे मेरे पास इतने सारे इंचेंटेड गोल्डन एप्पल आए कहाँ से? और गाइज, मेरे सर्वाइवल वर्ल्ड है तो क्रिएटिव के कोई चांसेस नहीं बनते हैं। तो ये सब मैंने लाए हैं, वो इतना मैंने इसके लिए कम से कम 4 दिन तक लगातार गेम खेली थी इनको लेने के लिए, ग्राइंड किया ना इतना। ये देखो मेरे विलेजर्स हैं इधर। और हाँ भाई, क्या क्या हाल बस ठीक? चलो यार, अभी तो दो ही हैं। चलो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करें? चलो पीछे से स्टार्ट करते हैं। चलो इधर से चलते हैं। मेरे पास रॉकेट भी ख़त्म हो गया भाई, अपने चेस्ट रूम से लेके आऊँगा बाद में। पर उससे पहले मैं आपको अपना ये दिखाता हूँ नेदरराइट बीकन। इसको सच बोल रहा हूँ ना, मुझे बनाने में कोई कम से कम 2 दिन से ज़्यादा, कोई कम से कम मुझे इसे बनाने में चार हफ्ते से ज़्यादा टाइम लग गया था इसे बनाने में। इतनी मेहनत लगी थी ना टी एन टी बनाने में, इतनी मेहनत लगी थी क्योंकि मेरे पास कोई टी एन टी फार्म नहीं था। फिर मैंने टी एन टी फार्म बनाया था। देखो गाइस, ये रहा, ये खतरनाक काम करता है बड़ा। तो मैं सोच रहा है इधर हीरो ब्रेन टावर बनाएंगे, हीरो ब्रेन एसएमपी का। तो अभी तो उसका काम रुका हुआ है, फ्यूचर में करेंगे दोबारा स्टार्ट उसका काम। तो चलो अभी इसमें चलते हैं, फुल हीरो ब्रेन एसएमपी की आधी चीज़ें। ये वो हॉल है इधर, इधर बैठने के लिए। ये रहा मेरी अंडर चेस्ट, इसमें भी ठीक ठाक सामान है। डिब्री क्या कर रहे हैं भाई इसमें, कोई नहीं। और अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले इधर एक क्रीपर फूटा था, देखो क्या हालत कर दिया उसने। जस्ट में यहाँ रॉकेट पड़े हैं ना, चलो इधर से ही रॉकेट ले लेता हूँ। खुले में इतना सामान पड़ा होता है यार भाई मेरे पास। चलो अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, वो मतलब कि सीक्रेट है। मेरे साथ मेरा कज़न खेलता था पहले इस वर्ल्ड में, उसको भी मैंने ये चीज़ नहीं बताई। तो चलो ओ भाई, सीढ़ी क्यों तोड़ दी यार, पूरी वीडियो ख़राब। चलो दोबारा सीढ़ी लगा के। हाँ सो गाइस, अब मैं आपको दिखाऊंगा खजाना, इतनी जल्दी नहीं। चलो को अब घूमता हूँ। ये तो खाली ऐसे ही पड़े हैं, पर असली खजाना तो ये है और इसके पीछे भी है। वो मैं आपको पूरे 1K सब्सक्राइबर के बाद रिवील करूँगा। ये कभी अगर फाइट वॉर कुछ हो गया तो उसके लिए, क्योंकि मेरे साथ अभी फ्यूचर में कुछ मेंबर्स जुड़ेंगे ये था खेलने के लिए, उसके लिए। तो अभी चलो भाई, वो ब्लॉक ये रहा ना, इसे निकलने के लिए। भाई भाई, मर जाना था अभी मैंने, भाई मर जाता अभी। तो अब मैं क्या दिखाऊँ, इसमें कुछ इतना सामान है, ये तो खाली पड़े हैं स्लीकर बॉक्स। इधर मेरा पूरा एन्चेंटिंग रूम, अभी तक मैंने कौन सी जगह नहीं दिखाई, चेस्ट रूम। इसके अंदर भाई मुझे जाना भी नहीं है, इसके अंदर मेरा ज़ॉम्बी है, उसने पूरा चनमिल का आर्मर पहना है, मर जाएगा। और ये देखो इधर है असली, ये देखो क्या नाम है इसका, नाम क्या रखा है मैंने इसका, पेड। इग्नोर करना है नाम का थोड़ा, इसका लम्बू ही है वैसे तो। और हाँ गाइस, गेमर फ्लीट के फैन सारे इस वीडियो को लाइक करो। चलो गोल्डन मेंशन को पहले ऊपर से एक्सप्लोर करवा देता हूँ। इधर मैंने बनाया अपना गेमिंग रूम, सच में गेमिंग रूम है इधर। वो बात अलग है, अभी इसका ये माउस थोड़ा ख़राब हो गया है, मतलब कीबोर्ड, हाँ ये कीबोर्ड ही था गाइस, ख़राब हो गया थोड़ा।
तो अभी चलो नीचे चल के दिखाता हूँ आपको, सीधा इधर से कूदेंगे। ओ भाई लेटर खुल गया है, अंदर का दिखाते हैं चलो। सो ये रहा कुछ इधर, ये फोटो को इग्नोर करो, ये देखो इधर असली, इधर मैं खाना पकाता हूँ। बैरल्स खाली पड़े हैं भाई, बैरल्स खाली पड़े हैं, इनमें तो कुछ होगा ही होगा। हाँ इनमें सामान है, ये मेरा बेड इसे बनाने में बहुत टाइम लगा था गाइस, तो इसके लिए एक लाइक कर दो। और हाँ ये तो हमने मैंने आपको दिखाया ही नहीं, ये मेरे इधर का आधा मैप, आधा है हाँ आधा है, इसी में पूरा वर्ल्ड फिट हो गया। तो मेरा अंदर चल के दिखाता हूँ, सामान सामान तो नहीं है इधर चेस्ट रूम में। चलो अभी बाहर चलते हैं, अभी मैं आपको अपना विलेजर ट्रेडिंग हॉल दिखाता हूँ जो अभी आधे कंप्लीट है। इसमें भी और विलेजर्स लाने हैं हमने, फ्यूचर में लाएंगे। चेस्ट तो कितने कितने सामान से भरी है भाई चेस्ट, इधर तो एमरल्ड ही एमरल्ड। इस चेस्ट में भी ये सारा सामान ही है, ऐसे ब्लैक ब्लैक। ये मैंने गलती से 64 चेस्ट बना ली थी। सो गाइस हुआ क्या था, इधर ऐसे में आया था, उधर का बाद में दिखाऊंगा। और ये देखो गाइस अपना, इसमें मैंने सोचा था आर्मर ड्रीम्स कलेक्ट करूंगा, पर फिर मैंने आर्मर ड्रीम्स कलेक्ट ही नहीं किए, मतलब कि इतना काम, मतलब कि इतना टाइम भी नहीं था मेरे पास आर्मर 16 के 16 आर्मर ड्रीम्स जमा करने जाऊं। पर हमारा ये आर्मर का ये तो रेडी है, बस फ्यूचर में करेंगे आधे से ज़्यादा काम। तो और इस घर के अंदर भी एक सीक्रेट है, मैं वो आपको दिखाता हूँ अभी। उससे पहले ऊपर का फ्लोर, इसमें तो ऐसे नॉर्मल बनाया मैंने घर, SMP कभी बनाएंगे इस वर्ल्ड को तो बस इतना। और हाँ गाइस इसके अंदर मैं दिखाता हूँ, ये देखो इधर भी नेदर है, ये ब्लॉक लगे हैं, इसके पीछे एक सीक्रेट है, वो तो फिर बाद में रिवील करूँगा। हाँ ये रहा हमारा दूसरा आर्मर का सेट, इधर भी एक पीस है, इधर बैरल्स खाली नहीं है, इधर शेल्टर बॉक्स के अंदर पता कितना खतरनाक सामान है, ये देखो फुल भरे हुए हैं भाई ये। इसमें तो नॉर्मल आर्मर, इसमें भी नॉर्मल आर्मर, इधर से जाना सबसे खतरनाक लगता है यार। चलो फिर वो चलते हैं एक बार, जो होगा दिखा रहेगा। अबे अबे गोल्डन एप्पल खाओ बे, अभी मर जाता भाई। और इधर है मेरा असली खजाना, असली खजाना तो नहीं कह सकते, खजाना कह सकते हैं और इसे। ये देखो भाई सारी चेस्टें भरी कैसे हैं भाई, मैंने ये कोल दो यार, ये चाहिए, इसकी ज़रूरत है मुझे। इसमें तो एमरल्ड है, इसमें डायमंड है भाई, इसमें डायमंड है, पक्का डायमंड है भाई। चलिए डायमंड, मैंने एक डायमंड के लिए वो बनाई थी और माइनिंग मशीन, उससे मुझे इतने सारे डायमंड मिले। इसके अंदर भाई इसको थोड़ा इग्नोर करो भाई, पता है इसके लिए कितनी मेहनत की थी, एक महीने तक रोज़ फ्री, ये मेरा मतलब फ्री फायर नहीं माइनक्राफ्ट खेली थी, इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत लगी है भाई ना जमा करने में। ये मेरे हिसाब से खाली है, हाँ खाली है। तो अभी इधर से निकलने का रास्ता, उससे पहले से पीछे करते हैं। और आपको इस गेम के थोड़े ग्राफिक, मतलब कि माइनक्राफ्ट के ग्राफिक थोड़े अलग अलग रहे होंगे, तो माफ़ करना कि वो है क्या ना, मेरा फ़ोन में थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब कि प्रॉब्लम से मेरा मतलब ऐसे मेरे फ़ोन को, मतलब कि इस गेम में मैंने कोई टेक्सचर पैक डाला था, उस तब से ही ऐसी हो गई है, पता नहीं कौन सा टेक्सचर पैक डल गया था गलती से भाई। गाइस आपने भी वो देखा जो मैंने देखा, ये टूटा कैसे भाई, नेदर आईडी के ब्लॉक, अच्छा बैरल के अंदर होंगे ना, ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मतलब इसको लगा के रखते हैं इधर तक। तो चलो गाइस अभी बाकी का वर्ल्ड एक्सप्लोर करते हैं। हाँ ये तो दिखाया नहीं, ये रहा मेरा स्टैचू, आप बोलोगे अच्छा है, और इसके पीछे देखो भाई हैं, ये 2D स्टैचू है, ये मेरा एक और वो विलेजर फार्म है, विलेजर ट्रेडिंग हॉल मेरा मतलब, सॉरी। आज की वीडियो में थोड़ा कम करेंगे, अगली वीडियो में दिखाएंगे बाकी। और ये रहा बेड, ये भी ऐसे बना दिया मैंने मजे मजे में। इधर से वाला रास्ता उस साइड जाने के लिए, उस साइड भी सेम ही है। अभी रात हो रही है क्या, नहीं नहीं ना, हाँ इसके अंदर तो दिखाया ही नहीं। सो गाइस अभी रात हो रही है, तो मैं सो के ही मिलता हूँ आप।
सो गाइस नेक्स्ट डे हो गया है। ये कौन सा विलेज है भाई? ये मेंडिंग वाला है ना, ये मेंडिंग वाला ही है। देखो भाई यार चेस्ट देखो, ये देखो बोलो भाई, कोई बोलते ना उसका बोल ज़्यादा रेयर है। देखो भाई बोलो भाई, अब बोलो किसके वर्ल्ड में ज़्यादा सामान है, किसी और यूट्यूबर को उठा लो भाई, मेरा प्योर सर्वाइवल वर्ल्ड है। ओबे 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 ओबे, ये क्या था भाई, मर गया? छोड़ो यार, जाके सामान लेके आता हूँ जब मैं उधर से सीधा। सुबह से भी मैंने अपना सामान ले लिया है और अभी कुछ भी काचू कमेंट में जाके, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करेंगे कि ये सारा क्रिएटिव का सामान है। अरे भाई तुम्हारे पास प्रूफ क्या है कि ये क्रिएटिव का सामान है? वर्ल्ड मेरा है, तुम्हें कौन से पता चल गया क्रिएटिव का है नहीं है, तुम्हें कैसे पता? जस्ट मी और हाँ गाइस लाइक कर दो यार, वीडियोस पे व्यूज ही नहीं जा रहे आजकल। ये मेरा खतरनाक घर है सबसे ज़्यादा, इधर पहले मैंने वो बनाया था, रहने दो, बीकन था इधर मेरा पहले, पहली बार जिंदगी में अच्छा बीकन बनाया था एकदम, मतलब कि कभी कभी गलत बन जाता है पर। अरे भाई ठुकना नहीं यार, अनचार्टेड गोल्डन एप्पल दूसरा बना, तो यार एक खाया तो है। देखो एक नॉर्मल, इधर मैंने पेंटिंग लगाई थी, पेंटिंग से अंदर जाने का रास्ता, इसमें भी ऐसा ऐसा सामान है भाई यार, पूरी चेस्टों का सामान पता नहीं कहाँ कहाँ भर के रखता हूँ मैं, मुझे फिर खुद पता नहीं होता। हाँ सो गाइस इधर इतना ही है, तो मेरे हिसाब से आज की वीडियो में इतना बहुत है, वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो गई है। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, तब तक के लिए।